नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब में। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, आज अपना सेकंड टॉपिक ऊर्जा संसाधन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 1970 में हरियाणा में विद्युतीकरण हो गया था, पूरा हरियाणा विद्युतीकरण हो गया था। और इसकी कार्यकुशलता, मतलब ये कार्यकुशलता में विद्युत उत्पादन में थर्ड स्थान है देश के अंदर। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी हरियाणा राज्य विद्युत निगम से, विद्युत निगम, यह निगम बनाया गया था। इसके आगे दो पार्ट थे, दो पार्ट हो गए थे। फर्स्ट पार्ट था हरियाणा राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 से 1998 के अंदर। और दूसरा था हरियाणा बिजली वितरण निगम, वितरण निगम, इसकी हुई थी 1999 में। ओके दोस्तों, चलिए पहले आपको मैं बता देता हूं, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और इनके पास 10 विभाग है, सबसे ज्यादा विभाग है ये वर्तमान में, अभी हमारे सीएम हैं हरियाणा के। तो चलिए, और इसका ऊर्जा संसाधन, इसका जो मुख्यालय है हरियाणा राज्य विद्युत निगम का है पंचकुला में, ये याद रखना। ओके, पहले हम पढ़ते हैं हरियाणा राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बारे में, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं भी ऊर्जा किन किन संसाधनों से पैदा की जा सकती है। जब ये उत्पादन हो जाएगा उसके बाद में हम इसका वितरण करेंगे। तो पहले ऊर्जा किन किन संसाधनों से पैदा की जा सकती है वो देखें। पहले तो कोयला से, दूसरी गैस से, सीएनजी गैस वगैरह, नेचुरल गैस जो भी है, तीसरी पानी से, हवा, कोयला, गैस, पानी, हवा, सौर ऊर्जा, और एक लास्ट है वो है एटॉमिक एनर्जी, जिसे हम नाभिक एनर्जी बोलते हैं, नाभिक ऊर्जा, ठीक है। कोयला से 5 हैं, गैस से 1 है, पानी से 2 है, हवा से 2 है, सौर ऊर्जा से 1 है, और 2 नए बन रहे हैं अभी, और एटॉमिक एनर्जी से सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे कोयला के, इसको बोलते हैं हम कोयला आधारित, कोयला आधारित विद्युत केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं उसी हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1979 में, उसके बाद में 2008 में, फिर 2010 में, फिर 2011 में, और इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसके बारे में भी नहीं पता। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद करते रहिए। जो इसकी है, इसकी क्षमता है, क्षमता भी याद रखिए, क्षमता पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी है 1369.7 मेगावाट, ठीक है। जो 2008 में है, इसकी 8 से 9 कर दीजिए, सॉरी 6, 8 में से 2 गए, 6 मेगावाट। इसकी है 900 मेगावाट, इसकी है 1200 मेगावाट, इसकी 1320, सॉरी इसमें थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें, ये यहाँ पे 1500 और इसका डबल हो जाता है 1200, ठीक है। ये 1320 का है और ये एक और 1500 का है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये गैस आधारित है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, ये है पानीपत में, जो ये दोनों हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये अपने ये पानीपत में है दोस्तों, ये यमुनानगर, ठीक है, ये हिसार,
के केदार में है, ये दोनों झज्जर में है दोस्तों, और ये लास्ट जो है ये है फरीदाबाद। ठीक है, इसको हम पानीपत ताप्य के अंदर नाम देते हैं, इसका पानीपत ताप्य। जो यमुनानगर में है ये है दीनबंधु छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम के नाम से। जो हिसार में है वो राजीव गांधी जी के नाम से है, और जो ये है 1500 मेगावाट ये है इंदिरा गांधी जी के नाम से, और जो ये है 320 का ये है महात्मा गांधी जी के नाम से। ठीक है, और ये है गैस आधारित फरीदाबाद में, गैस आधारित जो मैंने ये यहाँ पे बताया था आपको, गैस आधारित। ठीक है दोस्तों, देखिए इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो सबसे छोटा है वो है 600 मेगावाट का, यमुना नगर में दीनबंधु छोटू राम के नाम से। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तीनों गांधी परिवार से हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। और इसमें देखिए, इंदिरा गांधी अकेली लेडी है तो ये सबसे बड़ी होगी, यानी कि 1500 मेगावाट इंदिरा गांधी। इसको अरावली भी बोलते हैं, अरावली ताप्य के अंदर भी बोलते हैं इसको, अरावली ताप्य के अंदर, ये भी याद रखना। तो इंदिरा गांधी इससे बड़े हैं, तो महात्मा गांधी सबसे बड़े हैं, राजीव गांधी से बड़े हैं महात्मा गांधी, तो ये इसमें 320, और इसमें ये छोटे हैं तो ये आएंगे 1200 मेगावाट का। इस तरह से आप इसको कोड करके याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए दोस्तों, हमने कोयला आधारित बात कर ली, गैस आधारित बात कर ली, अब जल आधारित बात करते हैं, जल आधारित, जल आधारित। ठीक है दोस्तों, जल आधारित यानी कि जल पे बांध बना के हम जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, डैम बना के। तो दोस्तों जल आधारित ये यमुना नदी के ऊपर डैम बना के जो बिजली पैदा की जाती है उसके ऊपर बेस्ट है। ये दो है, फर्स्ट है इसके अंदर WIC जल विद्युत परियोजना, WIC मीन वास्ट यमुना केनाल। ठीक है, ये यमुना नगर में होगा क्योंकि यमुना पे बनाया गया है। और सेकंड जो है वो है काकरोई, काकरोई जल विद्युत परियोजना। ये दोस्तों कहीं सोनीपत दिखा रहा है और कहीं करनाल में दिखा रहा है, क्योंकि काकरोई जो है वो करनाल में है एक्चुअली में। तो इसके बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैंने दो तीन जगह सर्च की तो मुझे नहीं पता चल रहा भी कहाँ पे है ये, सोनीपत में है या करनाल में है, इसका चेक करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, पानी की बात हमने कर ली, अब बात करेंगे हम हवा आधारित, या फिर हम जिसे कहते हैं पवन ऊर्जा। देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा, सबसे ज़्यादा हवाएं तेज कहाँ चलती हैं? पहाड़ों पे। तो हमारे दो ही है कहाँ पे, एक तो अरावली पर्वत है और दूसरा शिवालिक की पहाड़ियां। तो पवन ऊर्जा केंद्र हमारे कहां पे हैं? अरावली पर्वत के अंदर और शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ अपना रह गया नाभिकीय, यानी कि एटॉमिक, नाभिकीय ऊर्जा के अंदर यानी कि एटॉमिक एनर्जी। ये हमारे एक ही है जो कि है अणु नाभिकीय के नाम से जाना जाता है, ये अणु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये है गोरखपुर में। देखिए दोस्तों, ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये गोरखपुर फतेहाबाद वाला है, फतेहाबाद, ये अकेला ही है। ठीक है, और फिफ्थ लास्ट में जो काफी ज्यादा हाल ही में ट्रेंड में है, पूछे जा रहे हैं काफी ज्यादा सवाल इस पे, सौर ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहा है वो है, हरियाणा का पहला सरकारी सौर ऊर्जा आधारित प्लांट, ऊर्जा आधारित प्लांट ये है पानीपत में दोस्तों,
पानीपत, ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित है, पहला पानीपत के अंदर है, इसको याद रखना दोस्तों। और दो और बन रहे हैं, दो नए हैं जो बनेंगे, वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, यमुनानगर और फरीदाबाद में, यमुनानगर और फरीदाबाद में दोस्तों, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, सेकंड पार्ट, पार्ट बी जो था हरियाणा विद्युत निगम का, हरियाणा बिजली, हरियाणा बिजली वितरण निगम। देखिए दोस्तों, हमने बिजली बना ली, अब हम इसको स्टोर करने की बजाय यूज करने के लिए भेज रहे हैं, यानी कि वितरण, वितरण मतलब उन बिजली को कैसे बांटना है, कहाँ कहाँ भेजना है। तो 1970 के अंदर पूरा का पूरा हरियाणा विद्युतीकरण हो गया था, तो इसके अंदर दो भाग बनाए गए हैं दोस्तों, एक तो है दक्षिण और दूसरा है उत्तर। जब हरियाणा बना था उसके अंदर चार मंडल थे स्टार्टिंग में दोस्तों, चार मंडल, ठीक है। उन मंडलों को याद रखने का तरीका ये था, GHAR, जी से था गुरुग्राम, एस से था हिसार, ए से था अंबाला, आर से था रोहतक, यानी कि घर, हमारे जो मंडल होते हैं उनको ही घर बोलते हैं हम, पर्यायवाची शब्द है ये, याद रखना इनको। तो दक्षिण के अंदर दो मंडल आते हैं, वो है जी और एच, और उत्तर के अंदर दो मंडल आते हैं, वो है ए और आर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रखते हैं दोस्तों, दक्षिण में बांटने के लिए जी और एच में, और उत्तर में ए और आर आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट रहे, तो लास्ट पॉइंट दोस्तों जो हमने याद रखना है वो ये है, हरियाणा में बिजली की क्षमता कितनी है, क्षमता टोटल वो है 29.04 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। इसका भी आगे वितरण कैसे किया गया है, देखो 32.30.2 मेगावाट ये हम खुद बनाते हैं हरियाणा में, और हमें जो सेंटर से प्राप्त होती है वो है 829 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। और बाकी जितनी भी बची है वो हमारे स्वतंत्र, जैसे कि विभिन्न कंपनियां जो बिजली बनाती हैं उनसे हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, तो फटाफट एक बार हम इसकी रिवीजन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ऊर्जा संसाधन, सबसे पहले इसको ऊर्जा जो मंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। चलिए दोस्तों फटाफट से रिवाइज करते हैं एक बार, ऊर्जा संसाधन, पहले तो ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो कि हमारे सीएम हैं, और उनके पास 10 विभाग है, सबसे ज्यादा विभाग इनके पास हैं। दूसरे हैं वित्त मंत्री जिनके पास हमारे 8 विभाग हैं, ठीक है। 1970 में हरियाणा जो कि विद्युतीकरण हो गया था, हरियाणा का कार्यकुशलता में हरियाणा का थर्ड स्थान है पूरे देश के अंदर, और इसका जो हरियाणा राज्य विद्युत निगम है उसका पंचकुला में है, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, हरियाणा राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो कि 1997 में बना था, हरियाणा बिजली वितरण निगम जो कि 1999 में बना था। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पहले तो हम ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, देखो कोयला, गैस, पानी, हवा, सौर ऊर्जा और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ऊर्जा का वो हमारा होता है कोयला से, तो कोयला के लिए 5 है, गैस पे 1 है, पानी के लिए 2 है, हवा के लिए 2 है, सौर ऊर्जा से 1 है, 2 नए बन रहे हैं, और एटॉमिक एनर्जी के लिए 1 है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे 79 से, फिर 2008, फिर 10, फिर 11, इन दोनों का सन हमें पता नहीं है। इसकी क्षमता है 1369.7 मेगावाट, अगर आप इसको एक बार लिख के देखते हो तो वैसे ही ये याद हो जाएगा। फिर है 600, 8 में से 2 गए 600, 10 और 2 12, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसका है 1500, इसका 1320 है, और इसका 1501 है जो कि गैस आधारित है, फरीदाबाद के अंदर अभी बन रहा है गैस आधारित। जो फर्स्ट है 1979 में बना था वो पहला था पानीपत के अंदर, जिसे पानीपत ताप्य विद्युत केंद्र बोलते हैं, और 600 का जो बना था वो था यमुनानगर जिसको हम दीनबंधु छोटू राम बोलते हैं। हिसार के अंदर जो है वो है राजीव गांधी, झज्जर के अंदर 2 हैं इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी को हम अरावली भी बोलते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जल आधारित 2 ही हैं क्योंकि यमुना के ऊपर बने हुए हैं, ये भी जो काकरोई है ये WYC पे बना हुआ है, और जो वास्ट यमुना केनाल के अंदर भी जो बना हुआ है वो है WYC जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में, दूसरा सोनीपत में है। ये काकरोई करनाल में भी पड़ता है तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिए।
अगली वीडियो में आपको पूरा कंफर्म करके मैं बता दूंगा। पवन ऊर्जा के लिए पवन सबसे ज्यादा चलती है पर्वतों पे, तो ये एक तो अरावली पर्वतमाला है हरियाणा में और दूसरी है शिवालिक की पहाड़ियां, तो दो यहां पे स्थापित किए गए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नाभिक के ऊर्जा केंद्र यानी कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स। ये है अणुनाभिक के ऊर्जा सेंटर्स जो कि गोरखपुर में है। ये गोरखपुर फतेहाबाद वाला है दोस्तों, ये गोरखपुर एक यूपी में भी पड़ता है। आगे है सौर ऊर्जा जो कि सन से हम एनर्जी लेके बनाते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला से सरकारी सौर ऊर्जा आधारित प्लांट था पानीपत के अंदर लगाया गया था। दो नए अभी लगने हैं जो कि यमुनानगर और फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। और पार्ट बी के अंदर चार मंडल आते हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था हरियाणा जब बना था तो वो चार मंडल थे। मंडल को पर्यायवाची शब्द होता है घर, तो इसको घर से याद रखें। जी एच ए आर, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक। तो हरियाणा में जब दक्षिण के अंदर है वो है जी एच और उत्तर के अंदर है ए और आर। लास्ट पॉइंट है जो इसकी क्षमता जो है हरियाणा में वो है 107.29.04 मेगावाट, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर ही बनती है वो है 3230.2 मेगावाट, और 8 to 9 हमें मिलती है सेंटर से, और बाकी स्वतंत्र जो भी है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के तीर्थ स्थल और उनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।